इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे आज का मैच, इंडिया जिम्बाब्वे को 10 विकेट पर हराया है। इंडिया के लिए बहुत बढ़िया मैच है और बहुत बढ़िया खेला इंडिया। 10 विकेट पर जीतना कोई छोटा मोटा जीत नहीं है, बहुत बढ़िया जीत है इंडिया के लिए, ये बहुत बढ़िया जीत है। और जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए, हाँ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर खेलकर 152 रन बनाया, और वो जो रन बनाया उस रन को मानो आसानी से शुभमन गिल और जर्सी जसपाल ने खेल दिया, और ये दोनों आसानी से खेला और कोई विकेट ना खोकर, हाँ कोई विकेट ना हरा कर मानो ये मैच जीता, आसानी से जीता है। और जर्सी जसपाल जिन्होंने कमाल की पारी खेलाया, हाँ 93 रन का इनिंग्स खेला, शुभमन गिल उसके साथ 58 रन का एक कमाल की इनिंग्स खेला, और इन दोनों की वजह से ही इंडिया 10 विकेट पर मैच जीता है। तो ये बहुत बढ़िया जीत है, और इस जीत के साथ साथ ये जो श्रृंखला, इस श्रृंखला में इंडिया अभी 3-1 की बराबरी से आगे है। मानो कल का मैच अगर इंडिया जीतेंगे तो ये जो 5 मैच की श्रृंखला है, इस मैं 5 मैच की श्रृंखला में इंडिया 4-1 की बराबरी में जीतेंगे। तो इंडिया ये जो नया बिग्रेट है, ये नया लड़कियों के लिए ये बहुत बढ़िया मैच है, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि 5-0 तो मिस हो गया लेकिन 4-1 की बराबरी में जीतना। और जिम्बाब्वे आज जो बैटिंग पिच था, इस पिच में 152 रन बनाए बहुत ही कम हुआ था, ये कम रन हो गया था क्योंकि इस पिच में मानो 200 की आसपास पिच था, और इस 200 की पिच में अगर आप 152 रन ही बना पाएंगे तो आप कैसे जीतोगे। जिम्बाब्वे के इनिंग्स में एक सिकंदर राजा ने राजा की तरह ही खेला था, और उसकी वजह से ही, सिकंदर राजा की वजह से ही इंडिया जिम्बाब्वे वो जो 152 रन ये रन बनाया था, नहीं तो अगर राजा नहीं खेलता तो ये 152 रन कभी नहीं बनता। और इंडिया के लिए अगर कहा जाए तो आज खलील अहमद 2 विकेट चटकाया, और डेब्यूटन तुषार देशपांडे ने 1 विकेट चटकाया, और मानो बाकी शिवम दुबे ने 1 विकेट चटका, अभिषेक शर्मा ने 1 विकेट चटकाया, वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट चटकाया, मानो सभी ने योगदान दिया। हाँ रवि बिश्नोई को आज मौका नहीं, विकेट नहीं मिला, तो ठीक है बाकी 7 विकेट चटका पाया। और इंडिया जब बैटिंग करना है ना, तब वो क्या धुआंधार पारी खेला है शुभमन गिल और जर्सी जसपाल ने, जर्सी जसपाल कमाल की प्रदर्शन किया, इनको विश्व कप में वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था, तो फिर ये जो जिम्बाब्वे सीरीज में इन्होंने दिखा रहा है कैसे खेलना है ओपनर को, और क्या लगातार अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। और आज अभिषेक शर्मा को मौका नहीं मिला, ऋतुराज गायकवाड़ इन लोगों को तो मौका ही नहीं मिलने दिया, बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलने दिया, तो क्या कमाल की प्रदर्शन किया ये दोनों। शुभमन गिल भी इससे पहले उतना अच्छा फॉर्म में नहीं था, तो आज शुभमन गिल ने भी उनका क्लास दिखाया, 58 रन किया और इनमें 2 चौका छक्का लगाया, 2 छक्का शुभमन गिल ने मारा, 2 छक्का और 6 चौका, और ऋतुराज सॉरी जो जयश्री जसपाल ने 13 चौका और 2 छक्का लगाया। अरे 13 चौका ऐसे कौन मारता है गुरु, इतना मारा ना जिम्बाब्वे को, गेंदबाजों को, ओ क्या कमाल की मारा है, बहुत आज धोया, हाँ जिम्बाब्वे को बहुत धोया आज। और 15.2 ओवर में 152 रन बना दिया, हाँ 10 की औसत, मानो इतना कौन मारता है गुरु, और वो भी बिना विकेट गिराकर। तो इंडिया के लिए ये जो नया वाला ब्रिगेड है इनके लिए बहुत बढ़िया जीत है, और अगला मैच कल का है, कल भी जीतेंगे उम्मीद करता हूँ। तो इससे बाद इंडिया का जो सीरीज, ये सीरीज मानो श्रीलंका के साथ है, और श्रीलंका के साथ T20 ODI सीरीज है, वहाँ पर भी जाकर इंडिया मानो आसानी से ही ये जो ODI और T20 सीरीज जीतेंगे, इनमें कोई दौरान नहीं है, इनमें कोई संदेह नहीं है, तो जीतेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया कल का मैच भी आसानी से जीतकर 4-1 की बराबरी में सीरीज जीतेंगे, या कल कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट करके बताओ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताओ। और इंडिया के जो बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ये अभी भी ठीक नहीं है, गौतम गंभीर ठीक है, उसके बाद फील्डिंग कोच जंटी रोड को BCCI ने फिर से मानो इनकार कर दिया, नहीं इनको नहीं लेना चाहता हो, और बॉलिंग कोच विनय कुमार को तो सपाट से मना कर दिया, उसके बाद मर्नी मार्कल भी को भी रिजेक्ट कर दिया, जाहिर खान के साथ बातचीत चल रहा है, तो उम्मीद करूँगा कि जाहिर खान या सुरेश रैना फील्डिंग कोच या कोई मानो मोहम्मद कैफ, ये लोग आए और इंडिया को संभाले। और तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ।